अनदर व्लॉग। सो अब सारे त्योहार ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए हैं। अभी त्योहार से त्योहार के बीच में लंबा समय है, लेकिन आज हमारे लिए भी एक त्योहार जैसा ही है। क्यों? आपको थंबनेल और टाइटल से तो पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, मेरा यूट्यूब का दूसरा पेमेंट आ चुका है। पैसा ही पैसा हो गया। तो ये पेमेंट कब आया, कितना आया, इस पेमेंट का हम लोग क्या करेंगे, ये सब चीजें मैं आपको आगे व्लॉग में बताते जाऊंगी। फिलहाल अभी तो मेरे ड्यूटी मिली है मुझे कि क्या क्या लाना है, मैं भूल गई। क्या बना रहे हो? उत्तपम सांभर चटनी। यक, हो गया, सड़ गया मुंह। तो मेरे लिए क्या है फिर? तुम क्या खाओगे? कुछ तो होगा मेरे लिए, मैं ये नहीं खाती हूँ, मेरे को साउथ इंडियन फूड से नफरत है। नफरत खाओगी? नफरत कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। सर्दियों में मजे तो इनके होते हैं। क्या बात है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मम्मी हम सामान ले आए हैं, ले लो। अरे बाप रे मम्मी, पता है मैं अच्छे बच्चे बन चाय गई। क्या करूं, चाय तो मैं गरम करूं, ठंडा करूं? कुछ मत करो। मैं क्या कह रही हूँ, मैं अच्छे बच्चे बन गई, मैंने अपना कमीशन नहीं लिया। कमीशन तो ऐसे मैं अच्छी बच्ची बन ही नहीं सकती हूँ। ये दिखा मेरे को, काफी टाइम बाद लोटो चोको पाई। पता नहीं ये लोटे बोलते हैं, लाते बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लूटू पिट्टो बोलते हैं, पिट्टो मार के पिट्टो। चलो लाओ मेरे घर आओ, रोटी चाय दे दो। अरे क्या आप बीच में गाना गाते रहते हो, मेरे को क्या बोलना भूल जाती हूँ। चलो, माय ब्रेकफास्ट इज मेथी के पराठे। देखो कोई आया, मैं जब बोलती हूँ कोई आ जाता। कभी आप गाना गा देते हो, क्या चलता है ये घर में। हाँ तो मैं जैसा कह रही थी, आज ब्रेकफास्ट में है मेथी के परांठे। वैसे सॉरी, खाने को कभी ऐसे करके नहीं दिखाया जाता है, लेकिन अभी मैं इस पोजीशन में बैठी हूँ ना कि अगर मैं प्लेट उठाऊँगी तो गिर जाएगा मेरे ऊपर, इसलिए क्षमा कर दीजिए। और चाय, वैसे अभी सर्दियों का सीज़न आ गया है ना, तो मम्मी को जो पत्ता दिखता है ना, उस सबका पराठा ही बना देती है मम्मी, मेथी का, मूली का, और अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ सारे पत्तों का मम्मी पकड़ के पराठा ही बना देती है। लोटे चोको पाई से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। इसका टेस्ट नहीं बदलता, वैसे ही रहता है ओरिजिनल टेस्ट। सो गाइज, अभी ना क्योंकि सर्दी आ गई है, मतलब आगमन तो हो ही गया है, इसीलिए हमारे घर में सर्दियों का जो है तैयारी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे पापा बिछा रहे हैं मैट, ग्रीन मैट, ताकि ठंडा ना लगे। और मैं बाहर का चप्पल पहन के घुस गई, हाय राम, सॉरी। हाँ अब ठीक है। कौन सा तो चक्कू बोल रहे हो? हाँ ये कटर बोलते हैं इसे। इससे दोनों काम हो जाएगा तुम्हारा, ग्रीन स्क्रीन का भी झंझट। बढ़िया, गुड मॉर्निंग। इनका गुड मॉर्निंग अभी हुआ है। इधर दिखाओ गाइस, इधर दिखाओ। नहीं उठ जाएगा भैया। भैया व्हाट आर यू, क्या बिल्कुल बिल्कुल मत रखना। अरे उधर पहुंचो। मैं क्या करूं उधर जाके, मैं क्या करूं उधर जाके, मूर्ति गिरता ना बेवकूफ, वहां हिल रहा था वो। मेरे को दिखाई नहीं। दो मिनट के लिए फ्री हो? नहीं, एक चीज दिखाना है आपको। आओ आओ तो आओ तो आओ आओ आओ, आओ मम्मी। कैसा लग रहा है रूम मेरा? कौन किया है? मैं। एक और ड्रामा नहीं है तुम्हारे पास? सुंदर लग रहा है ना, वाव। मैं तो रात में ये जला के बैठता हूँ। सर्दी में पापा पसीना से लथपथ हो गए, दिखाओ एक बार। बाप रे बाप,
पापा को काम करते वक्त और खाते वक्त इतना पसीना आता है, इतना पसीना आता है, पता है? हम जिस किसी के भी घर पे जाते हैं खाना खाने के लिए, जब इनवाइटेड होते हैं हम लोग, सब यही पूछते हैं क्या हो गया आपको, क्या हो गया, इतना पसीना क्यों आ रहा है, इतना लग रहा, क्या हो गया। उनको बता बता के हम लोग थक जाते हैं कि नहीं भैया ये पापा का हमेशा से ही ऐसा है, जब खाना खाते हैं या कोई काम करते हैं तो पसीना से एकदम नहा लेते हैं पापा। ये ना ठंड के टाइम में इसके देखो ये कितना बकलोल आदमी है, इसके लिए हम लोग मैट बिछा के रखे हैं, शीट बिछा के रखे ताकि इसको ठंड ना लगे जमीन से, और ये जमीने में बैठा हुआ है। अरे बकलोल बच्चा, अरे उधर खिसक के बैठने रे, ठंडा नहीं लगेगा यहाँ पे, देखो ठंडा लग रहा है। सो अभी मैं अपना लंच लेके आ गई हूँ, और सही बताऊँ ना एक चीज अगर मैं कन्फेस करना चाहूँ तो मैं अभी तक नहाई नहीं। देखो ये बात है तो बहुत बुरी, लेकिन ठंड बहुत लग रही है, ठीक है, और मेरा ना एक नाक भी जाम है, आपको मेरे बोली से लग रहा होगा कि मेरा एक नाक जाम है, तो देखते हैं खाना खाने के बाद, थोड़ा और काम करने के बाद देखते हैं, अगर मूड हुआ तो नहाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं नहाएंगे, ये तो मौसम ही ऐसा होता है, रोज कौन नहाता सर्दी में, कोई भी नहीं नहाता, मतलब हमारे घर में तो मेरी मम्मी के अलावा रोज कोई भी नहीं नहाता, और मम्मी भी इसलिए नहाती क्योंकि उनको पूजा करना होता है, ठीक है, तो रोज नहाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता सर्दी में। मैं खा रही हूँ पता है क्या, मैं खा रही हूँ पनीर का भुजिया और रोटी। अब आप सोचोगे पनीर का भुजिया आया कहाँ से, क्योंकि मम्मी ने तो उत्पम बनाया है, सांभर बनाया है, ये सब बनाया ना, ये पनीर का भुजिया कल वाला है, लेकिन भैया ऐसा सोचता है कि ये पनीर का भुजिया खत्म हो गया, लेकिन मम्मी मेरे लिए बचा के रखी थी, क्योंकि उनको पता था कि मैं साउथ इंडियन फूड नहीं खाती, मुझे नफरत है साउथ इंडियन फूड से, इसीलिए मम्मी मेरे लिए बचा के रखी है, तो इससे पहले कि भैया को पता चल जाए कि मैं पनीर खा रही हूँ, मैं खा के ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम दोनों में लड़ाई हो जाती है, उनमें से एक पनीर भी है, ठीक है, टीवी के ऊपर तो होती है और क्या बोलते हैं पनीर के ऊपर भी होती है, इसलिए इससे पहले कि भैया देख ले। क्योंकि देखो शर्म नहीं है उसको, वो पेट भर के उत्पम, वो क्या बोलते हैं बादाम का चटनी और सांभर सब कुछ खा लिया होगा, लेकिन अगर मेरे प्लेट में ये पनीर देखेगा तो वो इसमें से कम तो खा ही जाएगा, उसको शर्म नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए मैं खाती हूँ फटाफट। अच्छा हाँ एक चीज़ आपको क्लियर करनी थी, जो मैंने बताया शुरू में कि मेरा जो दूसरा पेमेंट आया है वो इस चैनल का नहीं आया जिस चैनल पे आप देख रहे हो, वो पेमेंट आया है मेरा दूसरा व्लॉगिंग चैनल जो कि है एंजल गुप्ता लाइफस्टाइल, उसका दूसरा पेमेंट आया है, और पहला पेमेंट भी उसी का आया है, ये तो मेरा नया चैनल खुला है। सो अभी 4:45 के करीब बज रहे हैं, एंड मैं अभी गाना कुछ तैयारी कर रही थी, उतने देर में चाची का फ़ोन आया कि भाई चाची गोडाउन में काम कर रही है एंड ईश उनको परेशान कर रहा है, वो आधे नींद में उठ के आ जाता है बेचारा, यही दिक्कत वाली बात होती है, वो ना रोते रोते कि मम्मी मम्मी। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे सोता है, आओ आजा आजा आजा, गिर गया। हे हे चाची वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाती है, तुम क्या करता है वहाँ पे, क्यों सो के उठ के आ जाता है, है? मम्मी 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 कहाँ है मम्मी, मम्मी का बच्चा। तो अभी शाम का वक्त हो गया गाइस, और मैं बनाई हूँ अपने हाथों से 2 कप चाय, एक मेरे लिए और एक मम्मी के लिए, पापा यूजली ज़्यादा चाय पीते नहीं है इसलिए मैं उनके लिए बनाई नहीं, और भैया मेरी हाथ की चाय नहीं पीता है इसलिए मैं उसके लिए भी नहीं बनाई, ठीक है। बाकी अभी ऑफिस आवर्स चल रहा है, ठीक है, तो सभी लोग काम में जी जान से जुटे हुए हैं, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ मेरी माँ 2 काम इधर करेगी, 1 रील फोन में देखेगी, फिर 2 काम इधर करेगी, फिर 1 रील फोन में देखेगी, और यहाँ मेरे पापा, पापा तो बैठे रहते हैं तो फिर बैठे ही रहते हैं, उनका काम ख़त्म ही नहीं होता पता नहीं, तो बस 4 बजे आके मेरा नींद जगा देते मेरे को नींद से, पता नहीं। हाँ मारेंगे बस 6 बजे मैं आता हूँ, तो 6 बजे 4 बजे एक ही बात है, मैं नींद पता, एक तो पापा लैपटॉप पे काम करेंगे टाइपराइटर जैसा से खट 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 नींद खुल जाता है। चलो भाई तो अब फाइनली मैं आप सभी को बता ही देती हूँ, जो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, जो पूरे दिन से मैंने हवा बना के रखा हुआ है कि मेरा दूसरा पेमेंट आ गया है, तो वो कब आया, कितना आया, उस पेमेंट का मैं क्या करने वाली हूँ, ये सब कुछ आपको अब मैं डिटेल में बताती हूँ। तो गाइस हमें पता तो कल चला है, लेकिन
ये पता चलने में हमें 20 दिन लग गया, क्योंकि ये जो पेमेंट है ना हमारा, वो दिवाली के पहले ही आ गया था, बस पता हमें कल चला। और पता चलने में इतना देर इसलिए लग गया क्योंकि इस पेमेंट के बारे में ना ही पापा को कोई मैसेज आया और ना ही कोई मेल आया। तो कल ना पापा अपना अकाउंट खोल के कुछ स्टेटमेंट चेक कर रहे थे, तभी उनको दिखा कि हमारे अकाउंट में कुछ अमाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है और ये काफ़ी पहले हो चुका है, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया, कोई मेल नहीं आया। तो हम लोग थोड़ा सा ना पहले से ऐसा लगा कि ये कौन फिरकी ले रहा है। तो फिर पापा सोचे कहीं कुछ गलत क्रेडिट तो नहीं हो गया, इसलिए पापा ने फिर बैंक से बात करी और फिर हमें पता चला कि जिस टाइम पीरियड में हमारा ये अमाउंट आया ना, उस टाइम पीरियड में बैंक के सर्वर्स डाउन चल रहे थे, जिसके कारण ना कोई मेल आ पाया और ना ही कोई मैसेज आ पाया, लेकिन ये अमाउंट हमारा ही था और हमारे अकाउंट में पहुंच चुका था, बस हमें खबर नहीं थी। और ये अमाउंट YouTube से आया था, तो हमारी खुशी तो दुगनी हो गई। और जितना भी अभी लगातार जो त्यौहार हमारे आए हैं, करवा चौथ, दिवाली, फलना ढिमकाना, उन सब में जितना भी खर्चा हुआ है ना, वो यूट्यूब ने हमें पूरा कर दिया। वैसे तो ये दिवाली के पहले ही आ गया था, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं था, लेकिन अब जब अमाउंट आया तो सबसे पहले दिमाग में हमारे यही आया कि चलो भाई, जितना भी खर्चा हुआ है इतने सारे त्योहारों में, सब पूरा कर दिया यूट्यूब ने। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि हमारा पेमेंट कितना आया। तो मैं आपको एक रफ आइडिया देती हूँ कि ये जितने भी त्यौहार होते हैं ना, करवा चौथ और दिवाली, जो बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, उसमें एक नॉर्मल घर, मिडिल क्लास घर में जितना खर्चा होता है उतना यूट्यूब ने हमें भेज दिया। तो हमारा जो अकाउंट है वो प्लस माइनस हो गए, जीरो हो गया। तो अब मैं बताती हूँ कि ये अमाउंट का हम लोग करेंगे क्या, करेंगे क्या। जो होना था वो तो हो चुका है, जो खर्चा होना था वो हो गया, प्लस माइनस करके जीरो, अब मैं बोली तो जो खर्चा होना था हो गया, अब कुछ नहीं होना इसका। अब भैया मेरा इंतजार रहेगा मेरे अगले पेमेंट का, और उसके लिए आपको भी एक चीज़ करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो, मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, और करना है क्या, और कुछ भी नहीं करना, और मेरे जितने भी नए नए व्लॉग्स आते रहेंगे उसको देखना है बस, और कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे में मेरा नेक्स्ट मंथ का आ जाएगा पेमेंट अपने आप। तो अभी फिलहाल मैं अपने हाथों से बनी हुई चाय का सेवन करती हूँ और आज के ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे समाप्त। तो अगर आपसे वो ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, नीचे कमेंट में जरूर बताएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। रुको जरा, सबर करो, और जितनी चीजें मैंने बोली है ना वो सब कर देना, वरना अगला महीने का पेमेंट नहीं आएगा मेरा।